खुश आमदीद नाजरीन, सारा न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। राजेंद्र नगर के हैदरगुड़ा में हर साल की तरह इस साल भी बाबू जगजीवन राम यूथ एसोसिएशन की जानिब से हैदरगुड़ा में गणेश चतुर्वेदी महाराज पूजा बड़े ही अदब के साथ किया गया। गणेश पूजा में शामिल राजकुमार, TV9 रिपोर्टर एम बाला सुब्रमण्यम, एम बाला मुरली कृष्णा, यू श्रीकांत रेड्डी रिपोर्टर, एस श्रीनु, एम साई रक्षण, साई राजू गिरी चिन्ना, साई संतोष जी लड्डू, जी संदीप और दीगर लोग भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन की ये खास रिपोर्ट। इसी तरह की मजीद तफसीलात से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबू जगजीवन राम यूथ एसोसिएशन गणेश मंडप पे आज नवरात्रियों का पूजा प्रारंभ हुआ। ये गणेश जब भी हर एक साल में ऐसी साल साल कराते हैं। ये गणेश महाराज ये नौ दिन यहाँ पूजा करके सब भक्तों यहाँ दर्शन करने के बाद टैंक बोर्ड गणेश मंडप को लेकर जाता है। ये लेकर जाते के टाइम में भी बहुत जाना भीड़ रहता है। डेली एक जने एक एक घरों में आके यहाँ गणेश मंडप में पूजा करते हैं। जो गणेश महाराज रहते हैं सबसे पहले गणेश महाराज को पूजा करते हैं। कौन सा भी पूजा स्टार्ट होने दो, फर्स्ट गणेश महाराज करते हैं। उसके लिए तो पहले गणेश मंडप में आज पूजा, फर्स्ट पूजा आज बाबू जगजीवन राम यूथ एसोसिएशन से आज पूजा स्टार्ट करें। कल से पूरे नवरात्रियों में पूरा भक्त जन आके दर्शन कर लेंगे। सब भक्त जन आके दर्शन करने के लिए कहा बोल गणेश महाराज की जय। बाबू जगजीवन राम यूथ एसोसिएशन हैदरगुड़ा, ये देखो 25 साल से अभी तक डेली कंटिन्यू चल रहा है। अभी तक जो अपना हमारा माँ बाप दादा परदादा स्टार्ट करे से गणेश ये कमेटी वाले में, जब से अभी तक भी एक साल पे भी नहीं गिरा। कंटिन्यू सालों एक एक गणेश महाराज को 50 साल हो गए अभी तक बना के। हमारा बुजुर्गों ने से स्टार्ट करे हुए हम लोग वो कंटिन्यू आज तक भी कर रहे हैं। नमस्ते अस्तु भगवन् श्रीचिराय महादेवाय नियम्बकाय त्रिपुरान्धकाय त्रिकर्णिकालाय कालाग्निमित्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। श्री हरसिद्धिविनायकस्वामिदेवताभ्यं नमः। इति Thank you.
హైదరగూడ గ్రామంకి సంబంధించిన బాబు జగ్జీవన్ రామ్ యూత్ అసోసియేషన్లో కమిటీలు ఏదైతే ఏర్పాటు చేసినో ఈ యొక్క విగ్రహాన్ని ఈరోజు పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. మరి 9 రోజుల వరకు నిరంతరం అందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క వినాయకుని పూజలతోటి నిర్మించుకుంటూ మరి 9 రోజుల్లో ఈరోజు నిమజ్జనానికి చేసుకుంటాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మంది అందరికి ఆరోగ్యాలు ఉండాలని, మంచిగా ఉండాలని, కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఆశీర్వదించాలని దేవుణ్ణి కోరుకుంటూ ఈ యొక్క 11 రోజులు అయితే విఘ్నేశ్వరుని పూజలు అయితే చేసుకుంటున్నామో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆశీర్వాదం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం.